हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीस। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा, एंजल की क्या गाइडेंस रहेंगी आपके लिए। कल का टॉपिक आप में से काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगा, जिस मुझे पता ही था बहुत एक सिलेक्टिव क्लास होगा उस रीडिंग के लिए, उसको देखने के लिए। मुझे कल जब मैं निकाल रही थी तभी मुझे पता चल रहा था, बट यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने देखी ये चीज़ तो मुझे अच्छी लगी। कोई बात नहीं गाइस, मैं इस टॉपिक पे और ज़्यादा रीडिंग लाऊंगी। मैं सोच रही थी कि कोई अब अलग ही चैनल में निकालूँ, जहाँ पे जिनको सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो जानना चाहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसमें एक इंफॉर्मेशन भी मैं डाला करूँ और इसके लिए रीडिंग भी मैं निकालूँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है और जितनी सिचुएशन आपसे रिजोनेट होती है आपको उतनी ही लेनी है। कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। जी आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन अभी इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ कप, द स्टार, आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच है आपके पर्सन की, उम्मीद है आपके पर्सन को आपको लेकर। सेवन ऑफ फैंस, सेवन ऑफ सोर्ड्स है, द लवर, इन्होंने चीटिंग की थी आपसे। वॉकआउट ये करते हुए दिख रहे हैं मुझे, आपके पर्सन वॉकआउट करते हुए दिख रहे हैं। इन्होंने वर्कआउट किया था आपसे क्योंकि इन्होंने चीटिंग की थी। बर्डन तो बहुत है आपके पर्सन के ऊपर। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में किसी और की एंट्री हो गई है और इसीलिए इन्होंने, आपने जैसे इनको चीट कर दिया और इसीलिए इन्होंने वॉकआउट कर लिया है, इसलिए आपके पर्सन बर्डन में बहुत है। पेज ऑफ फैंस, जो कुछ भी हुआ है बट ये पर्सन शुरुआत करना चाहते हैं। पास्ट में जो कुछ भी हो गया ना, या तो इन्होंने चीट किया या तो आपने आपसे बात हुई, या फिर इनकी सोच ऐसी कि आपके लाइफ में ऑप्शन है और आपने किसी और के साथ शायद आपका कनेक्शन शुरू हो गया, या फिर आपने अपना रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया किसी और के साथ, आपने चीटिंग की हो, बट किसी एक ने वॉकआउट, इमोशनल वॉकआउट कर लिया था। सेपरेशन मोड चल रहा है, टेम्पररी सेपरेशन मोड। इस वक्त आपके पर्सन स्ट्रेस में बहुत हैं, जहाँ कहीं भी है इनकी सिचुएशन तो ठीक नहीं है। या तो आपके पर्सन के साथ चीटिंग हुई है पास्ट में, जिस पर्सन के लिए पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे, मीन्स जिस पर्सन के लिए इन्होंने आपको चीट किया था, इनके साथ भी वही चीज़ हुई है। ये पहले आपको चीट करते जाती हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे आप निकल रहे हैं इनके लाइफ से क्योंकि ये किसी और के साथ चले गए थे। और यहाँ पे ये है जिनके पास वो गए थे, ये वहीं से भी निकलते हुए दिख रहे, क्योंकि हो सकता है इस लवर ने इनके साथ भी वही चीज़ की हो जो इन्होंने आपके साथ की थी। और सेकेंड मैसेज ये है कि जो पर्सन आपको चीट करके गए थे, ये वापस आपसे रियूनाइट होना चाहते हैं, बट इनके ऊपर बर्डन ये है कि अब इनको चीज़ें सॉर्ट करनी है, स्टार्ट करनी है, तो ये कैसे करें, क्योंकि ऑप्शन शायद इनके लाइफ में अभी भी है। ये इनके कमिटेड स्पाउस हो सकते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप स्पाउस हो सकते हैं किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए फैमिली हो सकती है, बट मुझे यहाँ पे मोस्टली थिंक क्या हो रहा है ना कि एक रिलेशनशिप पार्टनर है, लव रोमांटिक पार्टनर आपके पर्सन के लाइफ में था आपके होने के बावजूद, और उन्होंने आपको चीट किया था, बट इनको एक उम्मीद है इसीलिए सबसे पहले माफ़ी मांग रहे हैं कि इस बात के लिए, क्योंकि मैं आपको चीट करके भाग गया था, मैंने विड्रॉ कर लिया था इस रिलेशनशिप से। इस वक्त मैं काफ़ी परेशान हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, परेशानी हैं, मैं अपने लाइफ की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उठा रहा हूँ और मुझे इमोशनल बर्डन ये भी है कि ऑप्शन के होते हुए मैंने आपके साथ ऐसा कुछ किया था, ऑप्शन रख के या फिर आपको हॉस्टल रिलेशनशिप में रखकर, तो मुझे तो आना है, मुझे नहीं स्टार्ट करनी है, बट मेरे ऊपर थोड़ा बर्डन भी है। अब ये शायद इनकी थॉट ही मैंने, इनका वो मैसेज ही मैंने दे दिया है आपको। पेज ऑफ कप को क्लियरिफाई करें एंजल। थ्री ऑफ सोर्स, यस, थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने, कैसे आते हैं ना एंजल भी, इसलिए मैं बार बार थैंक यू बोलती हूँ। थर्ड पार्टी की वजह से आपका ब्रूटली हार्ट ब्रेक किया था इस पर्सन ने, इस बात की क्या करें। पेज ऑफ कप,
माफी मांग रहे हैं। स्टार की एनर्जी को क्लेरिफाई करें एंजल। स्टार की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रही है डेथ। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा, या तो आप हीलिंग दे रहे हैं आपके पर्सन को, या फिर आपसे आपके पर्सन को हीलिंग मिल रही है, या तो इनकी नेचुरल हीलिंग हुई है, बट एक मेजर शिफ्ट आपके पर्सन की ऊर्जा में आया है, जिसकी वजह से ये पर्सन एक नई उम्मीद देखते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, और इनको होप के साथ नए स्टार्ट करनी है। थर्ड पार्टी शायद चली गई है, या फिर थर्ड पार्टी की डेथ हो गई आपके पर्सन के लाइफ से। सेवन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें। सेवन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल एंड किंग ऑफ फैंस। अगर आप फीमेल है तो आपके लाइफ में मुझे लगता है कि दो बंदे थे, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में, अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो आपके पर्सन जिसके लिए चीट कर कर आपके पास गए थे ना, तो उस थर्ड पार्टी के लाइफ में दो बंदे होंगे, एक बहुत पैशनेट होगा और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला होगा, ये चीज़ें होगी। या तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के जाने के बाद आपको भी दो लोगों ने अप्रोच किया था, और शायद ही इस ऑप्शन की बात ये कर रहे हैं शायद ये पर्सन, कि अब शायद आपके लाइफ में ऑप्शन है, तो पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि इनके जाने के बाद भी आपको भी दो लोगों ने अप्रोच किया है, और दोनों हैंड्स में दोनों स्टेबल हैं, दोनों मैच्योर पर्सन हैं। बट यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी मुझे आ रही है, और आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि जैसे आप इनको चीट कर गए चेक कर रहे हो, क्योंकि अगर आप सिंगल है तो मुझे लगता है आपका आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, बट आपके घर वालों ने आपके सामने दो ऑप्शंस रखे हैं जो आपके पर्सन के मुकाबले काफ़ी स्ट्रांग है। ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन को शायद आप इन ऑप्शन को तो नहीं चॉइस कर लेंगे, ये भी चीज़ें हैं। आप एनर्जी के ऊपर फोकस करें, मैं फीमेल हूँ तो इसलिए मैं इस एनर्जी से मैं देख रही हूँ। लवर की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। ये आपके पर्सन की एनर्जी इस तरीके से हो सकती है कि देखिए ये शायद आप एक्शन लेने के लिए भी रेडी हैं, और अब शायद पहले फाइनेंशियल दिक्कत थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो वो स्टेबिलिटी भी आपके पर्सन के पास आ गई है, मिस मनी विद पावर आ चुका है, ये भी बात हो सकती है। दूसरी सिचुएशन, ये सेम सिचुएशन आपके साथ हो सकती है कि ये तो चीट करके भाग गए, बट उसके बाद आप मनी विथ पावर में आ गए हैं। टेम्परेंस की एनर्जी, इस पर्सन को रिलेशनशिप को बैलेंस करना है। मैसेज बहुत सारे आते हैं गाइस, बट मैं इतने मैसेज दें एक ही कार्ड पे देने लग जाते हैं, घंटा इधर ही निकल जाएगा। देखिए एट ऑफ कप को क्लेरिफाई कौन कर रहा है, टेन ऑफ फैंड्स, और इसके साथ में भी टेन ऑफ फैंड्स था। विड्रॉ तो कर लिया था इस पर्सन ने, बट आपको छोड़ के जाने के बाद इस पर्सन ने जिस बर्डन को फील किया है ना, ये इमोशनल वाला भी बर्डन है, फिजिकल वाला भी बर्डन है। अगर ये कोई स्पोज देख रहा है, मीन्स कपल देख रही है, तो इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के वजह से आपके ऊपर तो बहुत इमोशनल अत्याचार डाले, बट आप थोड़े रहे परेशान, थोड़े ने बहुत देर तक, बहुत टाइम आपने स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में निकाला है, बट उसके बाद आप जो आ चुके हैं अपने पावर में, अब आप पावर में आ चुके हैं, जैसे कि एंजल के ब्लेसिंग आपको मिल रही हैं, एंजल खुद आपको बैलेंस कर रहे हैं, तो ये पर्सन अब आना चाहते हैं, क्योंकि आपको छोड़ के जाने के बाद इस पर्सन की लाइफ जो सहल हो गई, थर्ड पार्टी के पास चले गए, बट वहाँ पे उनको काफ़ी सारा बर्डन उठाना पड़ा, थर्ड पार्टी का अपना ही बर्डन उठाते रह गए। तो जैसे आपके पर्सन को लगने लगा कि जैसे मैं बर्डन उठाने के लिए आया हूँ यहाँ पे, वहाँ पे मेरी लाइफ कितनी स्टेबल थी, एक एक जगह पे आप तो अच्छे बैलेंस स्टेट में आ रहे, वहाँ पे ये बर्डन उठाए जा रहे हैं, ये एक बात हो सकती। दूसरी बात ये हो सकती कि इमोशनली आपके पर्सन अपने आप को बहुत वीक फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो एनर्जी नहीं मिल रही जो इमोशनली आपके साथ जुड़ने के बाद इस पर्सन को मिलती थी, तो वो इमोशनल बर्डन भी ये पर्सन कैरी कर रहे हैं। अब दोनों फ्रेंड्स को क्लेरिफाई करते हैं। जी हाँ, जस्टिस, अब ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपको कोई लीगल नोटिस भेजी है, तो लीगली आपको जितना मिलना था उतना देने के बाद इस पर्सन के लाइफ में शायद कुछ बचता ही नहीं है, ये भी किसी के लिए मुझे मैसेज आ रहा है। तो इस बात के ऊपर आपके पर्सन ने काफ़ी सोच विचार किया है कि चलो मैं वापस ही चला जाता हूँ, भले मैंने चीट कर दिया, मैंने ये किया है वो किया, माफ़ी मांग लूँगा, मैं वापस चला जाता हूँ,
तो ये जो आ रहा है ना, उनके कैलकुलेशन में नहीं था ये सारी चीज़ें। आपको छोड़ जाने के बाद क्या होगा, जब आपको छोड़ के आपके साथ रिलेशनशिप में थे, इनके लाइफ में थर्ड पार्टी थी, तो इनके ऊपर से थर्ड पार्टी के साथ रह के एक लाइफ एंजॉय करना है, इतना ही जुनून था, इसीलिए उस हिसाब से चले तो गए। बट ये जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ, शायद इनके कैलकुलेशन में नहीं थे। जब ये चले गए वहाँ पे, तो तब इन सारी बातों का इनको ये चीज़ें महसूस होने लगे, फील होने लगे, तब इनको जाके इनका मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है। यहाँ तो मेरा तो घाटा हो गया, यहाँ तो मुझे न तो एनर्जी मिल रही है, न तो स्टेबिलिटी मिल रही, न तो पीस मिल रही है, बस मैं यहाँ पे आया हूँ, किसी और का बर्डन उठा रहा हूँ। इतना तो बर्डन मैंने उस रिलेशनशिप में भी नहीं उठाया था। ये हो सकता है, इसलिए आपको जस्टिस देने की बात हो रही है। 7 अप कप की एनर्जी, 7 अप कप की एनर्जी को क्लेरिफाई करा है 10 ऑफ सोर्स। हाँ, बहुत धोखा बिटर वाली एनर्जी खुद आपके पर्सन ने आपको दी थी, और मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी सारे, एक ही नहीं, मैं यहाँ पे एक की बात कर रही हूँ। मुझे लगता है ये पर्सन को हमेशा एक से ज़्यादा ऑप्शन अपने लाइफ में रखने की जैसे कि आदत है। तो ये चीज़ें है गाइस, यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन रखने की आपके पर्सन को हमेशा आदत रही है, और यही धोखा, यही बिट्रेल हमेशा आपने फेस किया है रिलेशनशिप में। आपको ये ऑप्शन नहीं चाहिए, आपको चाहिए ऑनेस्टी, सिंगल मैन रिलेशनशिप आपको चाहिए। बट इनका है कि इनका मन नहीं भरता, शायद इनकी ये आदत है, पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी। और ये भी हो सकता है गाइस, नॉट नेसेसरी कि रोमांटिक रिलेशनशिप वाइज किसी के लिए, हर किसी के लिए है, किसी के लिए इनके फैमिली मेम्बर भी आपके लिए बहुत टॉक्सिक होते जा रहे थे। मैं जिनको जब मौका मिला, उन्होंने बहुत चीज़ें बिगाड़ने की कोशिश की है आपके साथ रिलेशनशिप में। पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है, पेज ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई करा है नॉट ऑफ हैंड्स। ये पर्सन पूरे एक्शन में आ चुके हैं, क्योंकि अगर आपके पर्सन आपको छोड़कर गए थे, तो थर्ड पार्टी, उनके रिगार्डिंग भी कुछ ऑप्शंस थे, तो इनकी हालत यही हो गई भाई। 10 ऑफ हैंड्स एंड 10 ऑफ सोर्स, बर्डन भी उठा रहा हूँ, और यहाँ तो वो मिल रहा है जो कभी मुझे बोला ही नहीं गया था, जो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया था। उस टाइम तो मुझे कुछ अलग पिक्चर दिखाई दिखाई जा रही थी थर्ड पार्टी की ओर से, और यहाँ पे जब मैं आ चुका हूँ, ऑप्शन के साथ मैं डील कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रही है कि एक बात रियल फेस समझ में आ रहा है। तो ये पर्सन चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर संभाल कर, समेट कर आपके टूर्स आने की इनके एनर्जी है। एस ऑफ पैंट्स की एनर्जी क्यों इनकी, मुझे 10 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। 10 दिन, 10 वीक, किसी किसी के लिए 10 मंथ हो सकते हैं, लगभग 1 साल का आप समय ले सकते हैं। एस ऑफ पैंट्स को क्लेरिफाई कर रहा है द हायरोफेंट विथ पेज ऑफ सोर्स। शुरुआत हो रही है यहाँ पे आपके साथ रिलेशनशिप में, शायद ऑनलाइन बातें हो रही है, किसी की चैटिंग हो रही है, ऑनलाइन बातें हो रही है, बट स्टॉकिंग भी हो रही जम के। हेरोफेंट के साथ आ रहा है, अपने ट्रेडिशनल मैरिज ऑलरेडी इस पर्सन के साथ, तो वो फॉलो करते हुए दिख रहे हैं पर्सन, नई शुरुआत करना चाहते इस रिलेशनशिप में। सिंगल है तो वहाँ पे हो सकती कि आपको मैरिज को लेकर कोई बात करेंगे ये पर्सन आपके साथ, बट एक सूझबूझ वाले डिसीजन के साथ ये पर्सन मुझे आपके टूर्स आते हुए दिख रहे हैं। 4 ऑफ सोर्स यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है जजमेंट, क्योंकि कर्मा मिला है आपको सेपरेशन मोड में डालने के बाद। जो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट, काफ़ी सारे हेल्थ इशू आपको मिले थे इस रिलेशनशिप में धोखे के कारण, थर्ड पार्टी के कारण, तो उनको उनका कर्मा मिला है। ऐसा कर्मा मिला है कि सीधे इनके भागने की एनर्जी आ रही है आपके टूवर्ड्स। और अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिज रिलेशनशिप में थे ना, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी ज़रा एक्स्ट्रा डिमांडिंग हो गया आपके पर्सन के ऊपर, शायद इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। अब आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप ऐसा लगता है कि जैसे एक बर्डन ही है, वो रोमांस वाली फीलिंग तो खत्म ही हो गई वहाँ पे, जैसे एक बर्डन वाली एनर्जी मुझे आ रही है। ये होगी करंट एनर्जी, देखते हैं अब नेक्स्ट एक्शन। डार्क एंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स हिम क्या है।
पर्सन की तो आने की एनर्जी दिख रही, थोड़े कंफ्यूज है आपके पर्सन अभी भी, असमंजस में है कि आना कैसे है इनको। और यहाँ पे स्टार की एनर्जी बहुत आ रही है, या तो आप बहुत फेमस हो रहे हैं आजकल, यूट्यूबर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, हीलर है, फेमस है, बहुत फेम बढ़ रही है, अट्रैक्ट कर रहे हैं आप लोगों को, आपके पर्सन को। मैजिशियन की एनर्जी आ गई यहाँ पे, और एस ऑफ कप भी आ गया, सिक्स ऑफ कप भी आ गया, यूनियन की एनर्जी तो है गाइस। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रिस्टेस, हेरोफेंट आया था उस एनर्जी में, बॉटम ऑफ द डेक या लास्ट वाला का पेज की एनर्जी थी शायद, पेज के साथ हेरोफेंट आया था। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है बॉटम ऑफ द डेक, मीन्स आपके पर्सन की अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है आप दोनों की, तो यस इनकी अवेकनिंग तो हो चुकी है आपके पर्सन की। आप तो ऑलरेडी अवेकन हो, आपके पर्सन की भी अवेकनिंग हो गई है। यहाँ पे मैजिशियन के एनर्जी में आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, क्रिएटर ऑफ योर रिलेशनशिप, मैनिफेस्टर ऑफ योर रिलेशनशिप, और ये मैनिफेस्टेशन बिल्कुल पॉजिटिव वे में जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगेन 10 के एनर्जी आई है, बट वो फैमिली के साथ है, हैप्पी फैमिली के साथ आई है। पर्सन तो आ रहे हैं आपको लेकर, एक्शन भी ले रहे हैं, पावरफुल एक्शन ले रहे हैं, प्यार के साथ शुरुआत कर रहे हैं ये पर्सन। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे के काफ़ी जान पहचान, मीन्स चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं आप दोनों एक दूसरे के। कुछ बातों का आपके पर्सन को अंदाज़ा हो चुका है, अवेकनिंग हो चुकी है, ड्रीम थ्रू आपके पर्सन को कुछ ना कुछ नॉलेज जा रही है। टू ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे, असमंजस में क्यों है, हाँ तो वो पर्दा हटने वाला है। मैजिशियन की एनर्जी पहले असमंजस में थे, बट आपको आपके पर्सन क्रिएटर की एनर्जी में नेक्स्ट एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। मैनिफेस्ट आपके पर्सन भी आपको दिन रात करते हैं, ये मैजिशियन आप भी थे, और मैजिशियन मीन्स ये आपके लिए इनका एक्शन है, मीन्स आप ऑलरेडी मैजिशियन की एनर्जी में थे और आपके पर्सन भी इस एनर्जी में आ चुके हैं। हाई प्रिस्टेस विद मैजिशियन, वेरी पावरफुल कॉम्बो। सेवन ऑफ फैंस की क्लैरिफाई करते हैं, अवेकनिंग एनर्जी उसके, देखिए ये झुकने झुकने वक्त थोड़ी आवाज़ इधर उधर जाती, कोई बोल रहा था कि आपकी आवाज़ कम है, मैंने पता नहीं किस किस से देखा है, आवाज़ तो बहुत अच्छी है। और मेरी मैक्सिमम वीडियो में रात के 1-2 बजे निकालती हूँ, वहाँ तो इतनी शोर नहीं होती। हाँ कभी कभार मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं दिन में निकालने के लिए बैठती हूँ, तो देखिए यहाँ पे अपार्टमेंट है, बहुत बड़ी सोसाइटी है हमारी, 450 फ्लैट की यहाँ पे सोसाइटी है। भले हमारा अच्छा एक लग्जरियस फ्लैट है, बट सराउंडिंग वाले लोगों की तो आवाज़ आती ही आती है, बट क्या करें ना, अब उतना आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा यार। अब यहाँ पे किसी मेगा सिटी में रहते हैं और तो यहाँ पे इतनी चीज़ें तो होंगी, यहाँ पे अगर खुद का ऑफिस लेके भी बैठेंगे वहाँ तो और ज़्यादा शोर आएगा, क्योंकि वो तो फिर कॉरपोरेशन में आता है पूरा। तो क्वीन ऑफ फैंस के अंदर जा रही है, ये पर्सन अपने एक्शन में आ रहे, क्वीन के टूवर्स आ रहे, पूरी पावरफुल और कॉन्फिडेंट एनर्जी में आपके पर्सन आपके टूवर्स आएंगे, ये आपको डिफेंस करते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहा है, नाइन ऑफ फैंस इन रिवर्स, सारे ट्रस्ट इश्यूज थे, बाउंड्रीज थे, लिमिटेशन डाले थे किसी ने रिलेशनशिप में, वो तो हट गए। क्विकली आने की एनर्जी आपके पर्सन के, आपके टूवर्स, ट्रस्ट इश्यू के कारण आपके पर्सन की एनर्जी शायद पहले से रही हो, या इन आउट ये पर्सन ने किया हो रिलेशनशिप में, तो वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। स्टार की एनर्जी को क्लेरिफाई करें, एंजल स्टार की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा हूँ, अट्रैक्ट बहुत कर रहे हैं आप आपके पर्सन को, और इनसे वो रुका नहीं जाएगा, ये तो बस घोड़े पे सवारी, इनको बस आना ही आना है। नाइट की एनर्जी बहुत आ रही है, ये पर्सन ये तो उम्र में आपसे छोटे हो सकते हैं, या तो आप इनसे उम्र में छोटे हो, बट आपके आपको लेकर गजब का अट्रैक्शन आपके टूवर्स आ रहा है। सिर्फ वो फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, आपका और आपके पर्सन को अट्रैक्ट कर रहा है। आप जिस तरीके से आपने अपना नेम फेम कमाई है ना इस एडवर्स सिचुएशन में जाकर, उस चीज़ का अंदरूनी अट्रैक्शन, सोल का अट्रैक्शन आपके पर्सन को मैं फील कर पा रही हूँ। वैसे फिजिकल भी है, बट इस वक्त आपके पर्सन आपकी वो ऑरा से ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एम्परर की एनर्जी, शायद आपके पर्सन ने फील किया हो कि जब भी आपके साथ मिलते हैं ना तो इनको एक हीलिंग एनर्जी मिलती है। देखिए एम्परर के एक पर्सन डिसीजन मेकिंग एनर्जी में आ रहे, डेविल विथ एट ऑफ कप की एनर्जी आ रही है यहाँ तो। या तो पास्ट में ये चीज़ें हुई कि आपके पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ स्पेल हुए हैं, ये पर्सन वहाँ से आपके टूवर्ड्स इमोशनली ज़्यादा अटैचनर है, और इसीलिए ये इमोशनली जाते हुए दिख रहे हैं। एक निगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक सिटी आपके पर्सन के लाइफ में मुझे दिख रही है। नेक्स्ट एक्शन में एनर्जी फिर से आपके पर्सन के ऊपर हावी रहने की कोशिश करेगी,
मैं इनको और दूसरे डेस्क से क्लेरिफाई करती हूँ। आज मैंने एक्स्ट्रॉडिनरी जानबूझकर नहीं निकाला, मुझे लगा कोई जरूरत नहीं लगेगी। क्लेरिफाई कीजिए डेविल एंड एट ऑफ कप नेक्स्ट सेक्शन में क्यों आ रहा है। क्लेरिफिकेशन में एट ऑफ कप भी आ रहा है फिर से, तो अलर्ट की एनर्जी गाइस थोड़ी आपके लिए। दो सिचुएशन इस पर्सन के लाइफ में है, तो दूसरी वाली सिचुएशन है, फिर दूसरी वाली पार्टी है, वो कुछ ऐसा कर सकती है आपके पर्सन के ऊपर, क्योंकि एम्परर के ऊपर होने वाली चीज़ है कि जिससे वापिस ये पर्सन इमोशनली विड्रॉ कर ले आपसे, चले जाए। इनको ऑलरेडी नेचर है बिस यू, और इनको किसी आदत है जैसे ड्रिंक की ऐसी कुछ, तो अगर वो कंट्रोल कर पाएंगे तो वो करो, क्योंकि ये हैबिट अगर बढ़ जाएंगी तो चीज़ें थोड़ी टॉक्सिक हो जाएंगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर नेचर इस पर्सन का बहुत अबिस्यू नेचर है, गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये भी नेक्स्ट एक्शन में बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इगोस्टिक हो सकते हैं, ओवर कंट्रोलिंग, ओवर पावर ये पर्सन कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है और उसकी टूर से कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। तो आपको उस वक्त के लिए आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, या इनको भी आपको कंट्रोल करना है तो थोड़ा सा आपके नेचर में भी आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, दो दो कदम आपको पीछे जाने पड़ेंगे। होता है ना कि हाँ, मैं अगर बहुत ऊंची छलांग लगानी तो हम पहले दो कदम पीछे जाते हैं। तो अगर ये आपको लाइफ में इसका मेजर इम्पैक्ट फ्यूचर रिलेशनशिप में निगेटिव नहीं होने देना है, तो आपकी बात कर रही हूँ। टेन ऑफ कप की एनर्जी बताइए इंजन, टेन ऑफ कप को क्लेरिफाई करें। टेन ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ वैंड्स विथ अ चैरियट। ये पर्सन देखिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो ये पर्सन आ तो रहे आपके टूवर्ड्स, शायद कुछ तारीख तय हो सकती है, डेट तय हो सकती है, या फिर इतने डेज में आपके टूवर्ड्स आऊँगा, हम लोग एक फैमिली बनाएंगे। ऑलरेडी फैमिली है और ये पर्सन कहीं दूर है आपके साथ नहीं रहते, तो ये पर्सन शायद ये बोलेंगे कि मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। फैमिली के साथ ये पर्सन शिफ्ट होते हैं दिख रहे हैं आपके साथ, बट ये पर्सन आ तो रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी बताइए। और अगर ये चीज़ें ओवर पावर हो रही है ना, तो ये बात हो सकती है कि ये पर्सन चले जाएंगे फैमिली से दूर। मैजिशियन की एनर्जी बताइए। मैजिशियन की एनर्जी को क्लेरिफाई करा है यहाँ पे एट ऑफ पेंटेकल्स। यस, ये पर्सन तो एफर्ट तो लेते हुए दिख रहे हैं, बट मुझे लगता है आप कंट्रोल कर लेंगे, डेविल को बैलेंस कर लेंगे, तो आप पेंटेकल भी ना, तो आप बैलेंस कर लेंगे इस एनर्जी को। फिर ये आते हैं आपके टूर्स, या तो आपको लेके जाते हैं या फिर आपके साथ रहने के लिए आते हैं, और आने के बाद इस रिलेशनशिप में एफर्ट लेते हुए दिख रही है पर्सन। और कहीं और मैरिड है पर्सन रिलेशनशिप में, तो हो सकता है आपसे ये बातें, हो सकता है कि एक लॉन्ग डेट पे जाने का प्लान है, या फिर एक सफ़र करने का प्लान हो सकता है, या फिर इस रिलेशनशिप को हमें आगे किस तरीके से लेके जाना है इसके ऊपर कुछ प्लानिंग हो सकती है। बट काम करेंगे दोनों, और आप आपको भी बोलेंगे कि आपको भी करना पड़ेगा, और ये पर्सन भी इस रिलेशनशिप में काम करते हुए दिख रहे, एक डिसीजन मेकर पावर में विथ अ परफेक्ट प्लानिंग के साथ ये पर्सन आपके टोर्स आते हुए दिख रहे हैं। सब कपके एनर्जी सिंगल है, फैमिली नहीं मान रही, तब भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग होने वाली है रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे सब कपको क्लेरिफाई कर रहा है डेथ, क्वीन ऑफ सोर्स। कोई लेडी है आपके पर्सन के लाइफ में, जो एक ऐसी फीमेल है जो कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, और अपना दिमाग का बहुत इस्तेमाल करती है निगेटिव वे में, तो उसको कट करते हुए दिख रहे, क्योंकि इनको शुरुआत इनको आपके साथ करनी है। तो शायद यही टॉक्सिक पर्सन है जो बार बार आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काती है, या फिर आड़े नहीं देती, आप दोनों को यूनाइट नहीं होने देती अगर ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में, तो उसको ही ये पर्सन कट करते हुए दिख रहे। सेकेंड मैसेज है कि ये पर्सन बार बार आपके साथ कोल्ड शोल्डर देते हैं, आपको ब्लॉक करते हैं, आपसे बातें नहीं करते, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट में डालते हैं, तो शायद इस एनर्जी का एंड कर देंगे। शुरुआत तो होती हुई दिख रही है आपके साथ रिलेशनशिप में। सिक्स ऑफ कप की एनर्जी बताइए। सिक्स ऑफ कप की क्या एनर्जी एंजल प्लीज बताइए।
सिक्स ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं, हैंग मैन एंड किंग ऑफ कप। हैंग थे आपके पर्सन, ये आपके अपने इमोशंस अब तक इन्होंने बहुत रिजर्व करके रखे थे, ये अपने इमोशंस ज़्यादा बोल नहीं रहे थे, ये पर्सन खुल के आपसे मिल नहीं रहे थे। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की हटती हुई मुझे दिख रही है। इस एनर्जी से निकल कर ये पर्सन आपको बहुत इजहार करे, आपसे साथ एक आपके साथ एक प्यार से पेश आए, जो अब तक इन्होंने नहीं किया था, तो ये शायद आगे जाके करेंगे। बॉन्डिंग आप दोनों में बढ़ती हुई दिख रही है, शेयरिंग केयरिंग की एनर्जी आप दोनों में डेवलप होती हुई मुझे दिख रही है। अब तक इस पर्सन ने कुछ अपने इमोशंस आपको बोली नहीं थी, बट शायद ये आगे चलकर बोल सकते हैं। और अगर आप समझिए कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लिए कुछ नहीं है, पर्सन हमेशा क्योंकि रिजर्व रहते हैं, कुछ भी बातें अपने अंदर से बाहर नहीं आने देते, तो इतना डेफिनेटली समझ लिया कि इस पर्सन के मन में इस किंग के इतना प्यार आपके लिए है। देखिए यहाँ पे अगेन बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट आया था, वहाँ पे भी हेरोफेंट आया था, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आया था। अगर कोई ट्विन फ्लेम कपल ये एनर्जी देख रहा है या फिर स्पिरिचुअल जर्नी वाले पर्सन ये रीडिंग देख रहे हैं, तो यकीन माने आपके पर्सन के आपके इक्वल लेवल पे अवेकनिंग हो चुकी है, या फिर नेक्स्ट में आपके पर्सन की अवेकनिंग आपके लेवल में होती हुई दिख रही है। ये कनेक्शन समझे, जर्नी समझे, पास समझे, कॉन्ट्रैक्ट समझे, इसीलिए कल की एनर्जी मैंने डाली थी। जिसने वो मेरी एनर्जी देखी है, जिसने वो रीडिंग देखी है, वो इस सिचुएशन को अच्छे से रिलेट कर पाएगा कि मैं क्या कल बोल रही थी। तो इनको समझ में आ गई ये चीज़ें शायद सारी। किसी किसी तो ये भी बोल सकती कि रीडिंग देखने के बाद नॉलेज के साथ इनकी अवेकनिंग हो चुकी है कल ही। शायद आपको भी काफ़ी बातों का अंदाज़ा लग गया है, कुछ ब्लॉकेजेस आपके भी थॉट प्रोसेस से निकल गई हैं। हमेशा एक क्वेश्चन के ऊपर आप एक सिचुएशन के ऊपर आपके क्वेश्चन अटके रहते थे, तो मुझे लगता है काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल गई है। नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन पाना और इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से समझना, ये भी एक तरीके की हीलिंग है। यहाँ पे काफ़ी सारे टैरट का रीडर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं आपको, एक रीडिंग थ्रू आपको हीलिंग देने की कोशिश करते हैं। मैं सभी लोगों का दिल से बहुत मुझे ऐसे लोग बहुत दिल से मुझे बहुत मेरे लिए मन में बहुत उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है कि वो अच्छे चीज़ कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये मिलता नहीं। अगर आप खुद इस इन्फॉर्मेशन को निकालने जाओ, खुद के बारे में सोचने के लिए जाओ, तो शायद आपको काफ़ी साल लग जाएंगे। तो उतनी मेहनत एक टैरट का रीडर है, कि इंटीट्यूट टैरट का रीडर है, साकिक टैरट का रीडर है, तो ऑलरेडी अपने ऊपर इतनी मेहनत उसने की है और अपने नॉलेज की, अपनी इंट्यूशन के हिसाब से अपने पावर को यूज़ करके आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन कोई पेश करता है। तो मुझे ऐसे लोगों के दिल से मैं बहुत वेलकम करती हूँ। और हम क्या, हम सिर्फ मैसेंजर है सब कुछ करने कराने वाले? तो हमारे यूनिवर्स से, हमारे एंजल्स से, हमारे गॉड्स हैं। तो ये क्रेडिट तो डेफिनेटली हम अपने लिए तो नहीं ले सकते, तो ये चीज़ें हम अपने लिए तो नहीं ले सकते। तो ये चीज़ें हम जो हमें दे रहे हैं उनको हम दे रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं क्या है आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम, क्या है आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। हाँ गाइस, एक बात मैं और बता देती हूँ कि मैंने अब असिस्टेंट हायर किया है आज। अभी देखिए, आप इस तरीके से कॉल करते हैं ना, तो ये तो मैं तो नहीं उठाने वाली और आपसे वो असिस्टेंट ही बात करेगा। मैं सीधा आपका सेशन या स्लॉट बुक होता है तभी मैं आपसे जुड़ूंगी। क्या है आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम? सेवन ऑफ अर्थ। हाँ, बहुत अच्छी प्लानिंग होने वाली है कि हम इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा किस तरीके से हम इस रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं। बहुत पेशेंस, बहुत ठहराव होने वाला है और एंजल पीछे, एंजल है गाइड करने के लिए। एंजल की गाइडेंस से देखो, इन्होंने एक पौधा भी लगा दिया और उसको कैसे फ्रूट्स आ रहे हैं। इनके इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने डाले रिलेशनशिप में, वो कैसे फ्रूटफुल बन रही हैं। क्या है फाइनल आउटकम? टू ऑफ फायर, एस ऑफ फायर। जी हाँ, कंफ्यूजन से निकलते हुए दिख रहे आपके पास। बहुत कंफ्यूज थे, रिन्यूअल हो गया आपके पर्सन के एनर्जी,
जैसे कि रीबर्थ हो गई, कंफ्यूजन से निकल रही है पर्सन। आपकी पर्सन की इंट्यूशन तो बहुत बढ़ने वाली है यहाँ पे। कुछ इंट्यूशन इनके ब्लॉक थी पहले, इसीलिए ये पर्सन हमेशा डिसीजन में रहे हैं, कंफ्यूज रहे हैं, क्योंकि इनकी इंट्यूशन ब्लॉक थी। पर शायद अब ये पर्सन एक इनमें एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, बदलाव आ चुका है, ठहराव आ चुका है इनकी एनर्जी में। और ये पर्सन बिल्कुल जब पेशेंट में आकर, बिल्कुल संयमशील होकर जब ये पर्सन एक डिसीजन लेने के बारे में सोचेंगे, तो इनको सही दिशा एंजल से मिलने वाली है। ये पर्सन रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अफ्टर ये पर्सन इस रिलेशनशिप को कंप्लीशन के एनर्जी में लेके जाएंगे। मुझे और एक मैसेज चाहिए। हाँ, थ्री ऑफ वाटर, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन करते हुए दिख रही है पर्सन। तो आपका जो फाइनल आउटकम है दैट इज वेरी गुड। जैसे कि अब आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में कंप्लीटली कंप्लीशन चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही ये पर्सन इल्यूजन से तो निकल गए हैं अभी, क्योंकि इनका पहले इल्यूजन की एनर्जी में जाने का रीज़न यही था कि जैसे कि इनकी इंट्यूशन ब्लॉक थी और अपनी इंट्यूशन को ये फॉलो नहीं कर रहे थे, हमेशा कंफ्यूज माइंडसेट में रहते थे, क्योंकि समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है। बट फाइनल आउटकम तक आते आते आपके पर्सन के एनर्जी एक आपके तरफ ही झुकती हुई जाती हुई दिख रही है मुझे। जैसे कि नया ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इनको पता है कि अब इनको इनके साथ उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस रिलेशनशिप में ये पर्सन आपको जस्टिस देते हुए तो मुझे दिख रहे हैं, आपके साथ आते हुए मुझे दिख रही है पर्सन। अब देखते हैं यहाँ पे सेवन ऑफ अर्थ की एनर्जी क्यों है। बट यहाँ पे देखिए गाइस, मुझे अब तक यहाँ पे कोई कमिटेड या फिर फाइनल आउटकम में ये एनर्जी नहीं आई, जैसे अभी क्लेरिफाई नहीं किया है, इसमें समझ में आ जाएगा। एक कमिटेड रिलेशनशिप आपके साथ लॉन्ग टर्म या पर्सन निभाने की इनकी बात फाइनल आउटकम में मुझे दिख रही है। ऑलरेडी कहीं और मैरिड रिलेशनशिप है तो यहाँ पे वो तो नहीं मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का एक मैरिज होता हुआ, ऐसा फाइनल आउटकम में नहीं दिख रहा है। हाँ, बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का वो कंप्लीशन होने वाला है जो जिससे आपको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, शुरुआत होने वाली है आप दोनों के रिलेशनशिप में नहीं। अब देखते हैं एस ऑफ फायर की एनर्जी क्यों है। ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में ना, देखिए देखिए यहाँ पे एस ऑफ फैंड्स के दोबारा न जाइए, तो इक्वल गिव एंड टेक देंगे आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है। एस ऑफ वैंड्स विद सेवन ऑफ पेंटेकल, एस ऑफ फैंड्स विद सिक्स ऑफ पेंटेकल, मीन्स इनको इस रिलेशनशिप में ठहराव लाना है, इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। आपके टूवर्ड्स और आपके बच्चे हैं इनके टूवर्ड्स, और अगर ये फैमिली बना सिंगल है तो वो शुरुआत इनको आपके साथ करनी है। आप उनके वो पार्टनर ही सिंगल है तो इन आपके साथ इनका रिलेशनशिप रहा है, या फिर आपके साथ इनकी काफ़ी सालों से जान पहचान है, या फिर चाइल्डहुड फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप कम से कम 6 साल का तो है, 6 साल 6 महीने की बात हो रही है। टू ऑफ एयर की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे फोर ऑफ सोर्स। एक स्ट्रेस एंजाइटी में ये पर्सन फाइनल आउटकम के एनर्जी में दिख रही है कि लगातार एक चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रेस इस पर्सन के मन में रहा है, और इसी चीज़ के कारण ये पर्सन कंफ्यूज माइंडसेट में रहे हैं। इससे हीलिंग इनको ज़रूरत थी, हीलिंग की, हेल्थ की इशू हो रहे थे, इससे कुछ बात हो रही थी जिसे, या फिर ये बात थी कि बार बार एक टेम्पररी सेपरेशन मोड जा रहा था इनके इनडिसीजन नेचर की वजह से। तो ये शायद मुझे लगता है कि ख़त्म होगा, इसको एक बार फिर से मैं क्लैरिफाई करती हूँ। नाइन ऑफ सोर्ड्स, बहुत एंजाइटी के शिकार होते हैं। देखिए अगर इनडिसीजन में रहे ये पर्सन, इस पर्सन ने एंजाइटी तो आपको बहुत दी है, बट यहाँ पे देखिए रिन्यूअल की एनर्जी को देखते हैं। रिन्यूअल की एनर्जी क्या है आज? यहाँ मैजिशियन की एनर्जी वापस आ गई है यहाँ पे, वेरी गुड। स्टेबिलिटी की एनर्जी, जैसे कि चेंज फॉर्मेट हो गया। यहाँ पे बात वही थी कि एंजाइटी हो रही थी बहुत सारी, फाइनल आउटकम में एनर्जी आ रही है। फाइनल आउटकम में कैसे ना पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे एनर्जी यहाँ पे आ जाते हैं। तो जिसे प्यार करते हैं उस पर्सन को, उस आपको उस पर्सन ने बहुत कुछ एंजाइटी दी थी, स्ट्रेसलेस नाइट दी थी,
पर्सन पछतावे की एनर्जी में भी, ग्रज की एनर्जी में, टेम्परेरी सेपरेशन बोर्ड हमेशा इनके कंफ्यूज माइंडसेट की वजह से आपको झेलनी पड़ी। बट यहाँ पे क्या बात है ना कि यहाँ लवर की एनर्जी आ गई है, एक यूनियन की एनर्जी आ गई है। फाइनली इस एनर्जी से निकल कर आपके पर्सन एक लव रिलेशन के साथ आपके साथ यूनियन होते हुए इस पर्सन का दिख रहा है। अगेन यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है, रिन्यूअल की एनर्जी, जैसे कि मैंने बोला था ट्रांसफॉर्म की एनर्जी, हीलिंग हो गई इस पर्सन की, एक कंप्लीट एनर्जी में आ चुके। क्रिएटर विद मैजिशियन विद किंग ऑफ पेंटेकल, अगेन अ स्ट्रांग एनर्जी, स्टेबिलिटी देनी है, रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है और लॉन्ग टर्म एंड तक शायद इस रिश्ते को हम लोग निभाएंगे, यहाँ तक बात हो सकती है। मून की एनर्जी को क्लियरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटेकल एंड एट ऑफ वैंड्स, एक कम्युनिकेशन अच्छा होता दिख रहा है, अच्छी कम्युनिकेशन के स्टार्ट आप दोनों में होते हुए दिख रही है, अच्छी रिलेशनशिप के पहल आप दोनों के रिलेशनशिप में फाइनल आउटकम में मुझे दिख रही है। एक इल्यूजन की एनर्जी थी आपके पर्सन के माइंड से, अगर पेज की एनर्जी में आते हैं तो ये थोड़ा इल्यूजन इनका अगर फाइनल आउटकम में भी रहता है तो इस वजह से थोड़ा सा मीन्स बहुत आगे गए फिर थोड़ा सा पीछे हो गए, फिर आप बोल रहे कि यार इसको क्या हो गया, ये आजकल ऐसे क्यों रहने लगा, तो ये थोड़ा माइंडसेट आपके पर्सन का चेंज होता होगा। मुझे लगता है आपके पर्सन मून की एनर्जी से काफ़ी इफेक्ट होते हैं, या अमावस हो या फिर पूर्णिमा, इनकी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बट फिकर नॉट, एनर्जी आगे अच्छी ही जा रही है। सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं यहाँ पे। जी देखिए मैं वही बोल रही थी ना, यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स का एंड होने वाला है, नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप दोनों की रिलेशनशिप से जाने वाली है और रिलेशनशिप की विथ अ क्लैरिटी बहुत एक ट्रांसपेरेंट प्योर और स्ट्रांग शुरुआत हो रही है। ये बार बार एंजाइटी, ग्रजेस, सेपरेशन मोड ये खत्म होने वाला है। अब वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। जी किंग की एनर्जी आ गई, आपके पर्सन जी वो सक्षम है इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करने के लिए अपने प्यार से, दोनों में अच्छा प्यार डेवलप होता हुआ मुझे दिख रहा है। थ्री ऑफ वाटर को क्लेरिफाई करें। थ्री ऑफ कप को सेलिब्रेशन है यहाँ पे आपकी, आपके पर्सन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। वर्ल्ड वहाँ यहाँ पे कंप्लीशन के एनर्जी, वर्ल्ड बहुत आ रहा है यहाँ पे, ख़त्म क्या हो रहा है, बहुत टॉक्सिक साइकिल था वो ख़त्म हो गया है, यहाँ पे किसी की शादी हो गई है, ख़त्म चीज़ें क्या हो रही है, बार बार एंजाइटी मिल रही थी, धोखे मिल रहे थे, मिसिंग वाली एनर्जी, ग्रजेस वाली एनर्जी, पछतावे वाली एनर्जी, तो ये ख़त्म होने वाली है और रिश्ते क्योंकि ये टॉक्सिसिटी ला रही थी तो ये निगेटिव टॉक्सिक साइकिल ख़त्म हो रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप में और एंजॉय करते हुए दिख रहे आप इस रिलेशनशिप को इन ऑल वे। स्पिरिचुअल यूनियन तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। देखिए एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे निगेटिव आई, यहाँ पे एट ऑफ पेंटेकल की एनर्जी, स्टकनेस की जो एनर्जी बार बार आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत बड़ा रेड फ्लैग बन रही थी तो वो ख़त्म होने वाली है क्योंकि इस रिलेशनशिप में अब फोकस करेंगे आपके पर्सन इसके ऊपर एफर्ट डालने की एनर्जी, ये पर्सन इस रिलेशनशिप में काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले हैं आगे चलकर, तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है। फाइनल आउटकम में भी हमेशा फाइनल आउटकम की एनर्जी निकालते वक्त मैं बहुत टेंस रहती हूँ बट अब सब कुछ मुझे अच्छा दिख रहा है। तो चलिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए मैं निकाल लेती हूँ। एंजल की क्या गाइडेंस है डियर एंजल, क्या गाइडेंस देंगे आप मेरे दर्शकों के लिए इन द नियर फ्यूचर। 10th का मैंने बोला है 8 to 10, 8 डे, 8 वीक, 8 मंथ या फिर 10 डे, 10 वीक, 10 मंथ का फ्यूचर अच्छा है, असर्टिव रही है यहाँ पे, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है, ऑब्स्टेकल से डरना नहीं है, रिकंसिडर कर सकते हैं आप इस रिलेशनशिप को, सोचे एक बार ज़रूर। आस्क योर एंजल्स, जी आप इससे पूछते, आपसे पूछे बगैर कुछ काम नहीं करते, कोई है यहाँ पे? नो 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 की रट लगा के बैठा है, उनके लिए भी थोड़ा रिकंसिडर कीजिए, देयर इज समथिंग बेटर। किसी को ऐसा लगता है, देखिए सिंगल है और पता है बहुत टॉक्सिक है और आपके सामने और ऑप्शन है क्योंकि जहाँ पे दो किंग की एनर्जी मैंने देखी थी, हो सकता है सिंगल वालों के लिए ऐसे तो ऑप्शन है, बहुत स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, परफेक्ट टाइमिंग आपके रिलेशनशिप में या फिर लाइफ में आने वाला है। यस फाइनल यस बोल रहे हैं एंजल, आपके लिए इस रिलेशनशिप में रुकना परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है, इस बात के लिए तो बहुत बड़ा यस है।
तो ये थे आपके लिए आज की रीडिंग। रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे मिलना बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।